नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिजली चोरी को लेकर। अगर आपका बिजली का बिल बाकी है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि बिजली विभाग अब ऐसे लोगों को लेकर सतर्क हो गया है जिसके यहाँ पहले से बिजली का बिल बाकी है। वैसे लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि बिजली विभाग ने अब बकाए की वसूली शुरू कर दिया है। साथ ही साथ विभाग ने यह भी कहा है कि लंबे समय से जिनके पास बकाया वालों को डिफॉल्टर घोषित कर विभाग सख्ती से वसूली करेगी। बताने के विभाग ने यह भी कहा है कि 9220 करोड़ की वसूली की गई है, यानी कि अब तक जो है बिजली चोरी के मामले में 9220 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 27% अधिक वसूली अब तक की जा चुकी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिजली विभाग ने 25,000 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। यह विभाग इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि स्मार्ट मीटर को बकाया कैसे वसूला जाए, इसको लेकर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर में किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है। अगर आपकी शिकायत है स्मार्ट मीटर को लेकर, तो बिहार सरकार जो है जल्द उसका निपटारा करेगी, क्योंकि जैसे ही स्मार्ट मीटर सबके यहाँ लगने लगे थे उस समय जो है कई तरह की समस्याएं निकल कर सामने आई थी। ऐसे में बिहार सरकार अब जो है स्मार्ट मीटर को लेकर भी काम कर रही है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों इसको लेकर समीक्षा बैठक किया था, जिसमें उन्होंने राजस्व वसूली का निर्देश दिया था, जिसके बाद से ही बिहार में बिजली चोरों पर नज़र रखी जा रही थी। साथ ही साथ जिनके पास पहले से बिजली का बिल बाकी है उनको अब डिफॉल्टर कंज्यूमर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वित्तीय साल में यानी कि फरवरी महीने में 9220 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। ऐसे में यह कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 27% अधिक वसूली की गई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों को अगर हम देख लें तो बताया गया है कि उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी ने 4361 करोड़ रुपये की वसूली की, तो वहीं दक्षिण बिहार वितरण कंपनी ने 4859 करोड़ रुपये की वसूली की है। इस हिसाब से इस साल बिहार सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल 1950 करोड़ की अधिक वसूली की, और यह पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा है। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में श्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि बिजली चोरी करने वालों को बकायेदार कितना भी प्रभावशाली हो उसे छोड़ा नहीं जाए, इसके बाद से ही राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ बिहार के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली कर्मी घर घर जाकर मीटर की जाँच कर रहे हैं, मीटर में छेड़छाड़ करने वालों और सभी तरह के बकायेदारों पर भी कार्रवाई की जा रही है। विशेष प्रयासों के कारण इस वित्तीय साल में राजस्व वसूली का यह नया रिकॉर्ड बना है। इस मामले को लेकर बोलते हुए BSPHCL के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक संजीव हंस का कहना है कि बकायेदारों के खिलाफ कड़ाई के अच्छे परिणाम सामने आए हैं, इससे हमारा राजस्व भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कर्मी चालू वित्तीय साल में जगह जगह शिविर लगाकर राजस्व वसूली कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वाले को भी हिसाब में नहीं बख्शा जाएगा। इस साथ उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है, साथ ही साथ इसके परिणाम भी अच्छे सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग बिजली जमा कर रहे हैं उनमें समस्या नहीं आ रही है। बता दें कि स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आई है, बिल जमा करने को लेकर समस्या सामने आई। हालांकि अब सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि स्मार्ट मीटर में बिल जमा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, और इसको लेकर विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिससे कि लोगों की शिकायतें दूर हो जा सके। तो ऐसे में यह साफ है कि अब जो है बिजली विभाग, अगर आप चोरी कर रहे हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं, मीटर अगर आप रीडिंग नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर आप अपने मीटर के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की जो है अब निरीक्षण करेगी बिजली विभाग, और आपसे जो है इस पूरे मामले में वसूली करेगी। फिलहाल तो आप अपना बिजली का बिल क्लियर कर लें, नहीं तो बिजली विभाग जो है सख्ती बरतने को लेकर उतारू हो गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।